कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल छात्र महासंघ द्वारा सर्वोदय 2024 कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम धामी ने कहा कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद दुनिया का सबसे बड़ा छात्र संगठन है। सीएम ने कहा कि युवा देश का भविष्य है और आने वाले दशक उत्तराखंड का होगा। इसको लेकर राज्य व केंद्र सरकार लगातार इस दिशा में काम कर रही है। वहीं सीएम ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में युवा भारत के हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। वहीं दूसरी ओर पूरा विश्व भारत की युवा शक्ति के आगे नतमस्तक है। सभी आए हुए अभिभावकगण और आज जिनके निमित्त ये छात्र महासंघ का ये शानदार कार्यक्रम, ये रंगारंग कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित हो रहा है, ऐसे मेरे सभी प्रिय छात्र एवं छात्राएं, आप सबके बीच में आकर मुझे अत्यंत हर्ष और गौरव की अनुभूति हो रही है। मुझे बताया गया कि कुमाऊं विश्वविद्यालय का छात्र संघ महासंघ 19 विद्यालयों के छात्र संघ से मिलकर बना हुआ एक संगठन है। भाइयों बहनों, आप हमारे देश का भविष्य हैं। मैं अपने इन युवा कर्णधार भाइयों बहनों से ये कहना चाहता हूं कि आपके कंधों पर हमारी आने वाली पीढ़ियों का भविष्य निर्भर करता है। छात्र राजनीति का यह दौर हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है हमारे जीवन का, और यह हमें नेतृत्व और जो संगठनात्मक जो क्षमताएं हैं उससे भी हमको अवगत कराने का काम करता है। यह एक ऐसा मंच है जहां पर हम सभी अपने विचार प्रकट करने और नेतृत्व कौशल के गुर सीखते हैं और समाज में जो सकारात्मक रूप से बदलाव लाने के लिए अपनी भूमिका का भी ठीक प्रकार से निर्वहन करते हैं। निकट भविष्य में हमको किन किन परीक्षाओं में अपने को उत्तीर्ण करना है या उन परीक्षाओं से गुजरना है, उन जिम्मेदारियों का बोध भी हमको इस प्रकार के संगठनों में काम करने से मिलता है। साथियों, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ये एकमात्र ऐसा संगठन है जो व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण का कार्य करता है। विश्व में दूसरा ऐसा कोई संगठन नहीं है जिसके पास अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के बराबर इतनी बड़ी फौज हो। मैं कहूं कि दुनिया का एकमात्र संगठन है जो छात्रों और शिक्षकों के बीच दोनों के मिलकर, दोनों के समन्वय से छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए काम करता है। आज हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, कुशल मार्गदर्शन में, आज जहां एक ओर युवा भारत के हर क्षेत्र में आज आगे आ रहा है, संपूर्ण विश्व का नेतृत्व आज भारत कर रहा है, वहीं दूसरी ओर पूरा विश्व भी भारत की युवा शक्ति के सामर्थ्य के आगे नतमस्तक है। आज का भारत अपने सभी युवा साथियों के लिए वो एक प्लेटफॉर्म देने का काम कर रहा है, प्रयास कर रहा है जो आपके सपनों को पूरा करने में मदद कर सके। मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया जैसी अनेक योजनाएं आज देश की तस्वीर और तकदीर दोनों ही बदलने का काम कर रही है। युवाओं के लिए जहां स्टार्टअप इंडिया और मुद्रा योजना ने उन्हें नए उद्योग और व्यापार के क्षेत्र में स्थापित और प्रोत्साहित करने का काम किया है, बहुत सारे नौजवान युवा जिनके अंदर कौशल था, जिनके अंदर प्रतिभा थी, योग्यता थी, क्षमता थी, लेकिन आगे बढ़ने के अवसर उनको नहीं प्राप्त हो पा रहे थे, आज हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में उनको हर क्षेत्र में आगे बढ़ने का अवसर प्रदान हो रहा है। मैं एक बार फिर से आप सभी का धन्यवाद करता हूं। और आज इसके अवसर पर माननीय विधायक जी ने मुझे एक पत्र दिया है जिसमें 10 घोषणाएं करने के लिए कहा है। पेयजल से जुड़े हुए 40 नलकूपों पर सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर लगाए जाएंगे, मैं इसकी घोषणा करता हूं। और विधानसभा क्षेत्र रामनगर के अंतर्गत पालिका क्षेत्र में, क्योंकि आप जिस प्रकार से विकास आगे बढ़ रहा है तो सीवर लाइन की अत्यधिक आवश्यकता है, सीवर लाइन भी इसमें बिछाई जाएगी।
इसके साथ ही वाणिज्य संकाय भवन की जो डीपीआर उच्च शिक्षा निदेशालय में लंबित है उस पर यथाशीघ्र कार्रवाई की जाएगी। घोषणा संख्या 320/2023 के अंतर्गत महाविद्यालय में मिनी स्टेडियम का निर्माण कार्य भी यथाशीघ्र इसको शुरू करवाया जाएगा, यथाशीघ्र इस पर कार्रवाई होगी। अंत में मैं आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं, आप सबको शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि आप अपने सपनों का अवश्य साकार करेंगे और हमारे प्रदेश को और देश को सशक्त और समृद्ध राष्ट्र बनाने में अपना योगदान सुनिश्चित करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, भारत माता की। राष्ट्र सर्वप्रथम।